अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, टुडे वी विल स्टडी यूनिट नंबर 2, दैट इज पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग, कि जो आपके वालदैन होते हैं वो एक बहुत बड़ी रहमत हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, माई पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, कि मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं। मीर एक्सप्लेन्स टू हिज क्लास फेलोज, मीर ने अपने टास्क फेलोज को कहा, दे आर सिटिंग इन द स्कूल कैंटीन, ये सब दोस्त कहाँ बैठे हुए थे, स्कूल की कैंटीन में बैठे हुए थे। वाई डू यू से दैट, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, अली आस्क, अली ने कहा, दे ब्रॉट न्यू शूज, अ बैग एंड अ न्यू टॉयज फॉर मी, कि वो मेरे लिए नए जूते लेके आते हैं, नया बैग लेके आते हैं और खिलौने बहुत से लेके आते हैं। मीर इज फीलिंग ब्लेस्ड, मीर ने कहा, ऑल ऑफ द मीर क्लास फेलोज आस्क हिम अबाउट हिज न्यू टॉयज, मीर के तमाम दोस्तों ने मीर से पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे जो वालदैन हैं तुम्हारे लिए क्या नए नए खिलौने लेकर आते हैं। अली इज क्वाइट ड्यूरिंग द डिस्कशन, ताबिश नोटिस दैट अली इज लुकिंग सैड एंड ही आस्क, ताबिश ने नोट किया कि इन तमाम डिस्कशन के अंदर जब मीर अपनी तारीफें कर रहा है अपने माँ बाप की, तो इन तमाम बातों के अंदर ये जो अली है बहुत खामोश है, क्वाइट है, खामोशी से बैठा हुआ है। तो उसने इस बात को नोट किया और फिर उसने उसे पूछा, डोंट यू फील हैप्पी व्हेन योर पेरेंट्स बाय न्यू थिंग्स फॉर यू, कि तुम खुश नहीं होते जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो ताबिश ने फिर ये किससे पूछा, ताबिश ने अली से पूछा। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न करें, फिर क्या हुआ नेक्स्ट देखें। अब क्या हुआ, अली स्माइल्स एंड रिप्लाई, अली हंसा और उसने जवाब दिया, माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू थिंग्स, कि मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते कि नई चीज़ें मेरे लिए खरीद सकें। अफोर्ड का क्या मतलब होता है, कि मेरे माँ बाप जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन्स ये कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेरे लिए नई चीज़ें लेकर आ सकें। ठीक है, उसने कहा, अली ने कहा, माई फादर वर्क्स हार्ड फॉर आवर फैमिली टू प्रोवाइड फॉर अस, कि मेरे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए ताकि हमें हर चीज़ मुहैया कर सकें, हर चीज़ दे सकें। ही गाइड अस लाइक अ ट्रू फ्रेंड, वो मुझे इस तरह समझाते हैं जिस तरह के एक सच्चा दोस्त होता है। माई मदर टीचेस एट द स्कूल, मेरी अम्मी स्कूल में पढ़ाती हैं, शी डज द हाउस वर्क, और वो घर का काम भी करती हैं। शी ऑल्सो कुक डिलीशियस फूड, और वो मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं। ये अली ने कहा, ठीक है, अली ने क्या कहा कि मेरे जो माँ बाप हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं, मेरी अम्मी भी बहुत मेहनत करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वो मेरे लिए नई नई चीज़ें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये अली ने कहा। अब आगे क्या होता है, अब इसमें आगे इनका एक और फ्रेंड आता है, वो है ज़िया। ठीक है, एग्जैक्टली ज़िया ने कहा, सेज ज्वाइनिंग द डिस्कशन, अब इनकी बातों को ज्वाइन करते हुए ज़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, उसने ऐसे कहा ज़िया ने। ठीक है, दे प्रोवाइड अस विद क्लोथ्स, वो हमें देते हैं, माँ बाप हमें देते हैं क्लोथ्स, कपड़े देते हैं, फूड देते हैं, खाना देते हैं, एंड बेसिक नीड्स, और हर ज़रूरत की चीज़ जो हमें चाहिए होती है हमारे जो माँ बाप हमें मुहैया करते हैं, हमें कपड़े देते हैं, हमें खाना देते हैं अच्छा से अच्छा, और तमाम ज़रूरत की चीज़ें हमें देते हैं। दे शो अस केयर, लव एंड काइंडनेस, वो हमें हमारा ख्याल करते हैं, हमें प्यार देते हैं और हमारे साथ नरमी से पेश आते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये ज़िया ने कहा। ठीक है, ज़िया ने सारी बात कही उनको कि हाँ, इनकी बातों को ज्वाइन करके ज़िया ने कहा कि हाँ, हमारे बाबा हमें कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, हमें और हर ज़रूरत की चीज़ देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, ठीक है, और हमसे नरमी से पेश आते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, माई सिस्टर फज्जर हेल्प मी टू कम्प्लीट माई होमवर्क, कि मेरी बहन फज्जर मेरी हेल्प करती है, मेरी मदद करती है ताकि मैं अपना स्कूल का काम कम्प्लीट कर सकूँ। आई गो टू द पार्क विद हर एवरी इवनिंग, मैं हर शाम को उसके साथ पार्क जाता हूँ। अली कंटिन्यूड, अली ने कहा, आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह दैट ही हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, अली ने कहा कि मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। ठीक है, जरा वो बता रहा है कि मेरी अम्मी स्कूल भी जाती हैं, पढ़ाती भी हैं, इसके अलावा अम्मी मेरे लिए मज़े के खाने भी पकाती हैं और घर का काम भी करती हैं, अब्बू मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, जो मेरी बहन है वो मुझे शाम को होमवर्क करवाती है। तो अली ने कहा ना, तो फिर आखिर में कहता है कि मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी अच्छी फैमिली दी। ठीक है, तो ये जो आपको फैमिली नजर आ रही है, किसकी फैमिली है, ये अली की फैमिली है, ये अली की मदर है, ये अली के फादर है, ये अली है और ये अली की बहन है। ठीक है, उसको होमवर्क करवाती है, और ये अली के फादर हैं, और ये कौन है, ये अली खुद ही है। ठीक है, आगे देखें, आए क्या है, आर फैमिलीज आर अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, हमारी जो फैमिलीज हैं
जो हमारा ख़ानदान है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हम पर, वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर देम, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे माँ बाप दिए। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप के साथ अदब से और एहतराम किससे पेश आएँ। ठीक है, जब हम हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते हैं कि बेटा ये काम करो या हमारी हेल्प करो, या अम्मी कहती हैं किचन में हेल्प करो, या अब्बू कहते हैं कि बेटा मैं थका आया हूँ मेरे से ये चीज़ पकड़ लो, तो आप लोगों को अपने अम्मी अब्बू की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए। द बेल रिंग्स एंड द स्टूडेंट्स रिटर्न टू द क्लास, बेल बज गई और तमाम बच्चे अपनी क्लास में चले गए। ठीक है, अच्छा क्लास मैंने आप लोगों को लेसन समझा दिया है। ठीक है, यूनिट नंबर टू, अब इसके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स करते हैं। वर्ड मीनिंग्स में क्या है, पहला मतलब पहला लफ्ज़ है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का क्या मतलब होता है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है टू टेक पार्ट इन समथिंग, किस चीज़ में हिस्सा लेना। कोई भी मतलब आपके पास कोई गेम्स होती हैं या कोई कॉम्पिटिशन है या कोई कुछ भी चीज़ है, तो आप उसमें हिस्सा लेना, उसको पार्ट टू टेक पार्ट इन समथिंग, किस चीज़ में हिस्सा लेने को कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अ ड्यूटी, एक जिम्मेदारी कहते हैं। अटेंशन टू लुक एट, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, किस चीज को गौर से देखना। सडनली क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब जल्द और गैर मुतवक्का। डिस्कशन टू टॉक अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में बात करना, उसको हम डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास ये हैं, इसमें है हमारे पास कि हु वॉज अनहैप्पी, कौन खफा था, वाई और क्यों खफा था। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको जो हम लोगों ने फोटोकॉपीज दी हुई हैं उसमें होगा, लेकिन आप लोग फिर भी इसको पढ़ के मैं बताती हूँ, आप लोग देख लें। अली वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाई न्यू थिंग्स, अली इसलिए खफा था कि उसके अम्मी अबू उसको नई चीज़ें नहीं खरीद के दे सकते। नंबर टू क्वेश्चन देखें, वट आर जिया व्यूज अबाउट पेरेंट्स, कि जिया के क्या ख्याल थे माँ बाप के बारे में। तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर ये होगा, ही थिंक्स दैट पेरेंट्स प्रोवाइड एवरी थिंग टू दैम एंड ऑल्सो शो दैम केयर लव एंड काइंडनेस। अब उस अली का ये ख्याल था कि अम्मी अबू हमारी चीज़ें नहीं ला के दे सकते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब जिया का क्या ख्याल था, जिया का ये ख्याल था कि हमारे जो माँ बाप हैं हमें हर चीज़ ला के दे सकते हैं और वो हमें प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, हमसे काइंडनेस शो करते हैं। ठीक है, और हमें हर चीज़ ला कर देते हैं, ये जिया का ख्याल था। ठीक है, अब वट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू हैव फॉर योर पेरेंट्स, कि आपके अपने माँ बाप के लिए कैसी फीलिंग है। तो इसका आंसर में देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ओबे देम बिकॉज दे आर अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, कि हमें अपने माँ बाप का शुक्र अदा, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट उनकी कदर करनी चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए और वहाँ हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं ये आती है, इसके बाद देखें ये आपके पास कुछ ये आता है, देखें ये क्या है, रीड द साइट, रीड द साइट वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें आप कैसी होती है, इनको बोलते कैसे हैं, इसको कैसे बोलते हैं, बिकॉज डिफरेंट क्वेश्चन कंटिन्यू प्रोवाइड, आपको इसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए, इसको बोलना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखें आपके पास आगे क्या है, एक कुछ आपके पास एक्शन वर्ब हैं, आपको एक्शन वर्ब बताने हैं कौन कौन से हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड क्या करती है, डैश ब्यूटीफुली, सिंग्स या थिंग्स, तो आप इसमें लिखेंगे ब्लू बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें, हेरा पोर या पोर्स, ऑप्शन दिया हुआ है, हेरा डैश मिल्क इन टू अ ग्लास, तो आप डाल देंगे पोर्स मिल्क इन टू द ग्लास। फिर है अली डैश गम, अली क्या करता, अली डैश गम्स, तो अली स्मेल या चू गम्स, तो अली चू गम्स। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज आती है वो आपके पास है, ये देखें आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो है आपके पास, आपको कुछ वर्ब्स दी, कुछ आपको एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको उनसे ये तमाम जो आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ इसमें ब्लैंक्स है, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, पहला आपके पास आता है माई पेरेंट्स डैश ऑल माई नीड्स, तो आप इसमें लिखेंगे फुलफिल, माई पेरेंट्स फुलफिल ऑल माई नीड्स। ठीक है, फिर है माई फादर डैश इन अ बैंक, माई फादर क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा क्लास देखें ये आपको मैंने बता दिया, जिस तरह ये आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में आप लोगों क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, तो अब इसे फिल करते पहले आपको ये बता दिया मैंने, ये फर्स्ट ब्लैंक था, माई फादर डैश
इन अ बैंक, तो वर्क्स, तो वर्क्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वर्क्स लिखा, आप वर्क्स देख के लिख देंगे. टू गिव अस अ बेटर फ्यूचर, माई मदर टीचेस, टीचेस लिखा हुआ, टीचर देंगे, इन अ स्कूल, शी कुक्स डिलिशियस फूड, दे प्रोवाइड, प्रोवाइड आ जाएगा, प्रोवाइड मी विथ क्लोथ्स, शूज एंड मैनी अदर थिंग्स, दे लव me so much, I thank Allah for me, for blessing me with my parents. ठीक है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि वो कि मेरे अब पेरेंट्स मेरे मुझे मेरी हर चीज़ पूरी करते हैं, मेरे फादर जो है मेरे लिए बैंक में काम करते हैं, मेरी मदर जो है वो स्कूल में जॉब करती हैं, मेरी मदर मेरे अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं और हमारे लिए मेरे कपड़े लेके आती हैं, शूज़ लाती हैं, चीज़ें लेकर आती हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह के पेरेंट्स दिए. ठीक है, तो मैंने आपको समझा भी दिया है और इसके मैंने ब्लैंक्स भी फिल कर दिए. ठीक है, अब आगे चाहे नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, रीड द गिवन पोजेसिव प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंस. पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से, पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें आपको कोई ओनरशिप जाहिर हो रही है. फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि ये चीज मेरी है, मेरी है, ये चीज आपकी है या हिज की है या हर की है या माए है या माइन है या योर्स है, तो वो तमाम ये चीजें ये कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस आते हैं. देखिए, देखिए माई मदर कुक्स वेल, तो माई इसमें क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, हेयर हर सिस्टर इज ओल्डर, तो ये हर पोजेसिव प्रोनाउन है, दे हैव रीच देयर स्कूल, तो देयर इसमें है, आई लाइक रोज, आई लाइक इट्स फ्रेग्रेंस, तो इसमें इट्स है. ठीक है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन, आपको सेंटेंसेज दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन चूज करके बताएं कौन कौन से. ठीक है, अब देखें, आई एम अ बॉय डैश नेम इज आदिल, तो इसमें क्या आ जाएगा, माई, दिस इज डैश हाउस, इट इज वेरी बिग, दिस इज हिज हाउस, इसमें हिज आ जाएगा, शी टेक्स केयर ऑफ डैश बुक्स, हर्स बुक्स. ठीक है, वी हैव मैनी इस्लामिक बुक्स इन डैश स्कूल लाइब्रेरी, आर स्कूल लाइब्रेरी, आर आ जाएगा, यू डू नॉट वॉश डैश क्लोथ्स डेली, यू डू नॉट वॉश क्या हो जाएगा, यू डू नॉट वॉश योर क्लोथ्स डेली. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे से दैट दे हैव डन डैश ड्यूटी, देयर ड्यूटी, ओके, यहाँ देयर आ जाएगा, दिस इज माई बुक, आई लाइक डैश स्टोरीज, आई लाइक इट्स स्टोरीज. ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आता है राइटिंग फोकस में, राइटिंग फोकस आपको क्या दिया हुआ है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑन द टॉपिक माई पेरेंट्स, ये आपको एक फैमिली बना के दी हुई है. ठीक है, इस फैमिली फादर है, मदर है, एक सिस्टर है और एक इसका सन है. ठीक है, तो आपको जो आपकी अपनी फैमिली है, देखिए यहाँ पे आपको लाइन्स भी दी हुई हैं, इन लाइन्स पे आप लोगों ने जो आपकी अपनी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, अपने पैके आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपकी सिस्टर आपके कैसे हेल्प करती है, आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं, तो आपने इसको 5 लाइन्स में लिखना है. ठीक है, स्पेस गिवन है, आप लोगों ने इसको 5 लाइन्स में लिखना है. अभी हमारा यूनिट नंबर 2 फिनिश हो गया. ठीक है, इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं इसके बाद. ठीक है,